स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 8.1 और इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स और 4 क्वेश्चंस हम लास्ट की वीडियोस में कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। गिवन सेकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12। सेकेंट थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बाकी सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बाकी कितनी रहेगी? 5। तो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू वी हैव टू फाइंड। देखो क्या करेंगे, एक हमें ये दे रखा है, गिवन सेकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि दो वैल्यू हमें गिवन है। तो ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया, इसकी दो वैल्यूज। अब हम कैसे कंसीडर करेंगे कि दो वैल्यूज हम कौन से गिवन है? क्या होता है हमारे पास ट्रायंगल में, एक हाइपोटेन्यूज, एक परपेंडिकुलर और एक बेस होता है। तो सीकेंट थीटा की वैल्यू 13/12 कैसे आएगी? देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, तो सीकेंट थीटा, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? कोस का। तो ये कोस क्या होता है? बी बाई एच। तो ये क्या हो जाएगा? एच बाई बी। यानी 13 की वैल्यू, 13 जो वैल्यू है वो हाइपोटन्यूज की, और जो 12 वैल्यू है वो बेस की। यही होगा। अब कैलकुलेट द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पहले ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने से पहले हम एक और चीज क्या चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं है इसमें, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो, सेकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12, तो इसमें हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? एसी। अगर हम इसको नेमिंग कर रहे हैं तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? एसी। और इसमें बेस क्या हो गया? एबी। तो एसी बाय एबी इज इक्वल टू 13/12। तो हम क्या करेंगे आगे, इसमें क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कब लगती है? जब वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जब उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर। एसी का स्क्वायर दैट इज 13 स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी, कितना हो गया? बीसी। बीसी तो फाइंड आउट करना है, और एबी कितना हो गया? 12 का स्क्वायर। तो क्या किया, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। जब 144 उस साइड जाएगा, या एक काम करो, बीसी को इस साइड ले आओ या इसको इस साइड ले आओ, तो देख लेना, या फिर ऐसे कर सकते हो 169 इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर प्लस 144। यही होगा। तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, 25 आएगा इज इक्वल टू बीसी का स्क्वायर। तो बीसी का स्क्वायर है, लेकिन वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? बीसी की। तो इसका क्या आ जाएगा? स्क्वेयर रूट। स्क्वेयर रूट आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? बीसी। हाइपोटेन्यूज क्या है? एसी। तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 5/13 आ जाएगी। कोसेकेंट थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 13/5। इसका रेसिप्रोकल होता है तो पहले ऊपर एसी आ जाएगा, नीचे बीसी, यानी कि एसी की वैल्यू 13, बीसी की वैल्यू 5। टेंजेंट थीटा क्या होता है? टेंजेंट थीटा से पहले कॉस थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि टेंजेंट थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? एबी। हाइपोटेन्यूज कितना है? एसी। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? एबी बाय एसी दैट इज 12/13। अब साइन भी पता है, कॉस भी पता है, टेंजेंट थीटा कितना आ जाएगा? टेंजेंट थीटा कितना आ जाएगा? साइन बाय कॉस, यानी कि 5/13/12/13। 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया, कितनी वैल्यू आ गई? 5/12। ये देखो, बीसी बाय एसी डिवाइडेड बाय ए बी बाय ए सी। बी सी बाय ए सी डिवाइडेड बाय ए बी बाय ए सी। या तो इस ए सी से यहां कैंसिल आउट कर दो, या रेसिप्रोकल होके फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आएगी? 5/12। अब टेंजेंट का जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज कोट थीटा, यानी कि अगर इसकी वैल्यू 5/12 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 12/5। और सेकेंड थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कोस का। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13/12। साइन, कोस और टेंजेंट, इनके रेसिप्रोकल होते हैं साइन का कोसेकेंट, कोस का सेकेंट, टेंजेंट का कोट। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6। इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, अगर एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, इफ एंगल ए यहां एंड आएगा, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? देखो, अब हमने पढ़े राइट एंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। एक्यूट एंगल्स आर दोज एंगल्स हुज एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, जिसके एंगल्स 90 डिग्री से कम होते हैं, सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। कॉस ए
के इक्वल है, कॉस बी के इक्वल है, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्या बताना है हमें, एंगल ए एंगल बी के इक्वल प्रूव करना है। क्या बोला क्वेश्चन, अगर एंगल ए और एंगल बी दोनों कैसे एंगल्स हैं, एक्यूट एंगल्स हैं, मतलब लेस देन 90 डिग्री हैं, और एक और कंडीशन दे रखी है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है, तो हमें क्या शो करना है, दोनों के दोनों जो ये एंगल्स हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी के इक्वल होगा। देखो ए बी सी, सी पर राइट एंगल ले लिया, सी पर क्या ले लिया राइट एंगल, सी पर राइट एंगल क्यों लिया, ये 90 डिग्री का हो गया। टोटल एंगल जो ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब ये 90 डिग्री है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों का सम 90 डिग्री होगा, दोनों का सम 90 डिग्री होगा, दोनों का सम 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 180 डिग्री। अब एक 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल है, इक्वल है। देखो क्या करेंगे, गिवन दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, हमें क्या गिवन है, कोस ए कोस बी के इक्वल गिवन है, तो कोस क्या होता है, बी बाय एच। अभी अभी हमने देखा था इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बी बाय एच होता कोस, तो इसमें बेस क्या हो जाएगा, ए सी, यही हो जाएगा ए सी, वो हमारी नेमिंग हम अलग भी कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ए सी, जैसे बी यहां लिख लिया ए यहां लिख लिया, तो ए सी बाय बेस बाय हाइपोटेन्यूज ए बी, ए सी बाय ए बी अकॉर्डिंग टू विच एंगल, एंगल ए। देखो अगर एंगल, बिल्कुल जब इसका इंट्रोडक्शन किया था तब भी हमने बताया था, अगर एंगल ए कॉस ए ले रहे हैं तो एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, फिर ये क्या बच गया बेस, तो ए सी बाय ए बी इसलिए आया कॉस बी। अब हमारे पास एंगल क्या है, बी, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाला, तो ये क्या हो गया बेस, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बी सी बाय ए बी। क्लियर हुआ कैसे कौन सा परपेंडिकुलर हुआ, ये कहां डिपेंड करता है, जो इसके एंगल्स होते हैं। अब देखो ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया, या फिर ऐसे काम करो ये चीज डिवाइड में है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहां ए बी आ गया फिर ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया, यानी कि ए सी किसके इक्वल आ गया बी सी के, ए सी, ए सी की वैल्यू बी सी के इक्वल आ गई। अगर ए सी की वैल्यू बी सी के इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब ये होता है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, ए सी एंगल बी के सामने वाला, ए बी सी एंगल ए के सामने वाला, अगर दो इक्वल आ जाती हैं साइड्स तो उनके सामने वाले एंगल्स इक्वल आ जाते हैं। रीजन देखो, इन ट्राइंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इन ट्राइंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो और क्या लिख सकते हैं इसको, ए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए लिख लो या एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी लिख लो, समझ आई बात। अगर उनकी साइड्स इक्वल आ जाती है, बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इक्वल आ गया, तो जो उनके सामने वाले एंगल्स हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, कोट थीटा की वैल्यू गिवन है 7/8, तो इवेलुएट दिस, तो यानी कि इसके लिए क्या चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, और बाद में इनकी वैल्यू इसको पुट कर देंगे। एक और पार्ट है इसका कोट स्क्वेयर थीटा, कोट स्क्वेयर थीटा की भी वैल्यू निकालनी है। अगर हमारे पास कोट थीटा की वैल्यू है तो कोट स्क्वेयर थीटा की तो वैल्यू डायरेक्ट इसका स्क्वेयर कर दो, 49/64 आ जाएगी। अब देखो इसके लिए क्या चाहिए, अगर कोट थीटा है, कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है, कोट थीटा क्या है 7/8, 7/8, अब देखो कोट थीटा क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कोट क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, बीसी परपेंडिकुलर क्या हो गया ए बी, तो बीसी बाय ए बी इज इक्वल टू 7/8, दो वैल्यू पता बाय पाइथागोरस थ्योरम, थर्ड वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, थर्ड वैल्यू, अब देखो ये 113 किसी का स्क्वायर रूट नहीं बनता, तो इसको एज इट इज स्क्वायर रूट में ही रखेंगे, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यह आ गया 8/√113, और कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों वैल्यूज को जो हमारे पास ये इक्वेशन गिवन थी, जो भी एक्सप्रेशन गिवन था, इसके अंदर पुट कर ली। क्लियर। अब देखो पुट कैसे की, 1 + sin θ, 1 - sin θ, तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्यों लिखा, अपने क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, वरना वैल्यूज इसमें भी पुट करते तो वही आंसर आता।
ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला लगा दिया, नीचे भी वही कर दिया, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला लगा दिया, वन का स्क्वेयर तो वन होता है। अब साइन स्क्वेयर थीटा, साइन स्क्वेयर थीटा देखो, अब हमारे पास वैल्यू थी अंडर रूट में, तो एट का तो स्क्वेयर करेंगे कितना हो जाएगा 64, 8 का अंडर रूट किया 64 हो गया। अगर अंडर रूट 113 का स्क्वेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 113 रह गया, सेम नीचे ऐसे रहेगा। फिर इसका एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई, 7/8 आ गई, 7/8 वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना है, कोट स्क्वेयर थीटा, कोट स्क्वेयर थीटा जो भी हमें वैल्यू गिवन थी 7/8, कोट स्क्वेयर थीटा लिखो या कोट थीटा का स्क्वेयर लिखो, एक ही बात होती है, दोनों इक्वल होते हैं। कोट स्क्वेयर थीटा लिखो या कोट थीटा स्क्वेयर, बाहर स्क्वेयर लिखो, वही बात होती है। तो इसकी कोट थीटा की वैल्यू हमें पता है 7/8, इसका स्क्वेयर किया तो कितना आ गया, 49/64। क्लियर हुए इतने क्वेश्चन, बाकी के जो हमारे पास 8, 9, 10, 11 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करना अच्छे से, कोई डाउट आता तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।